Hello everyone and welcome to Wings Ek Udaan. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. This is lecture number 6 on Dogra Rule and today we are going to talk about Maharaja Gulab Singh. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. यू कैन लिंक विद अस, यू कैन जॉइन अस देयर. एंड दोज हु हैवन सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, डू सब्सक्राइब टू अस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो लेके आए, कोई नया अपडेट लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. So what did we do last, in our last video, lecture number 5, we did up till Sikh rule part 2, right? And we saw how 1846, after the treaty of Amritsar, which is Jammu and Kashmir, it goes into the hands of Gulab Singh. And Gulab Singh turns out to be the first Maharaja of Jammu and Kashmir. Now we'll talk about Maharaja Gulab Singh in today's video. फर्स्ट ऑफ ऑल महाराजा गुलाब सिंह का जो बर्थ है वो हुआ है 17th of October 1792. सो गुलाब सिंह वॉज बॉर्न ऑन 17th of October 1792 एंड ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर. सो डोगरा डायनेस्टी एंड महाराजा गुलाब सिंह जो है ही बिलोंग्ड, ही वॉज अ राजपूत रूलर एंड ही बिलोंग्ड टू द Jamwal clan of Rajputs. So he belonged to the Jamwal clan of Rajputs and he was the founder of Dogra dynasty in Jammu and Kashmir. Up as a Maharaja of Jammu and Kashmir, inka jo karyakal raha hai, it is from 1846 to 1856. Fine. Up. Maharaja Gulab Singh was the son of किशोर सिंह, मियाँ किशोर सिंह और किशोर सिंह. नाउ किशोर सिंह ऑल्सो हैड लॉयल्टी टूवर्ड सिख और वो भी सिख एम्पायर के अंडर ही अपनी सर्विसेज को दे रहे थे. एंड सिमिलरली गुलाब सिंह वॉज ऑल्सो इनिशियली बिफोर बींग द महाराजा वो सिख के अंडर ही काम कर रहे थे. नाउ गुलाब सिंह हैड टू ब्रदर्स, गुलाब सिंह के दो भाई थे. कौन कौन, क्या नाम है उनका? मियाँ ध्यान सिंह एंड सुचेत सिंह. कहीं कहीं पे मियाँ ध्यान सिंह लिखा होता है और कहीं कहीं पे मियाँ साहिब सुचेत सिंह लिखा होता है. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मियाँ ध्यान सिंह लिखा है तो दे आर टॉकिंग अबाउट ध्यान सिंह और अगर मियाँ साहिब सुचेत सिंह लिखा है तो वो सुचेत सिंह के बारे में ही बात कर रहे हैं. फाइन. अब जो ध्यान सिंह है उनको इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, 1828 में, सो 1828 में मियाँ ध्यान सिंह को ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑफ भीमबर. वेरी इंपॉर्टेंट, ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑफ भीमबर. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियाँ ध्यान सिंह वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान अंडर सिख एम्पायर. फाइन. इन्होंने कोई 25 साल तक, अराउंड 25 ईयर्स तक जो अपनी सर्विसेज हैं वो सिख के अंडर दी थी एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान. बट इन 1843 मियाँ ध्यान सिंह वॉज मर्डर्ड एंड ऑल्सो दो भाई थे इनके, मियाँ ध्यान सिंह एंड मियाँ सुचेत सिंह, इन दोनों का ही असासिनेशन या मर्डर हो जाता है और फिर इट वॉज महाराजा गुलाब सिंह जिन्होंने ऑब्वियसली डोगरा एम्पायर को यहाँ पे स्टार्ट किया. सो 1828 में मियाँ ध्यान सिंह रिसीव द टाइटल ऑफ राजा ऑफ भीमबर एंड इन 1843 इनका असासिनेशन या इनको इनका मर्डर कर दिया जाता है. फाइन. अब बैटल ऑफ जम्मू और गुम्मट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब 1808 में होती है बैटल ऑफ, बहुत लोग बैटल ऑफ गुम्मट से जानते हैं बट यू हैव टू रिमेंबर बैटल ऑफ जम्मू एंड बैटल ऑफ गुम्मट इज सेम. बैटल ऑफ जम्मू इज अ बिगर नेम लेकिन जहां पर, जिस जगह पर ये बैटल हुई थी अंडर द गुम्मट गेट उसको भी हम, इसलिए हम इसको बैटल ऑफ गुम्मट के नाम से भी जानते हैं. सो बैटल ऑफ जम्मू एंड बैटल ऑफ गुम्मट दे आर वन एंड द सेम थिंग. कब हुई थी ये बैटल? ये बैटल हुई थी 1808 में. अब जब 1808 में ये बैटल होती है, इस बैटल के बाद
जो ऑब्वियसली इस टाइम पे कौन थे यहाँ पे, इस टाइम पे सिख ही थे यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि 1808 में महाराजा रणजीत सिंह वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह और उन्होंने 1809 में महाराजा गुलाब सिंह को अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस किया। सो 1808 में बैटल ऑफ जम्मू और बैटल ऑफ गुम्मट एंड 1809 1809 में क्या होता है, 1809 में जो महाराजा गुलाब सिंह है ही एंटर्स इनटू द सिख आर्मी। फाइन, अब 1809 से लेके जो आगे के साल हैं 1846 तक, ऑल द थिंग्स डन बाय महाराजा गुलाब सिंह आर समवेयर और द अदर आर टूवर्ड सिख। फाइन, तो 46 तक जब तक वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक उनकी जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे कैप्चर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू सिख ही है। फाइन, सो 1809 में ही एंटर्स इनटू द आर्मी ऑफ सिख। अब 1821 में जाने से पहले वी विल टॉक अबाउट 1800 अगेन, देर इज नो डस्टर सो अगेन आई हैव टू rub it by my hands. Okay, so 1817, आप इतना याद रखें 1821 में आने से पहले 1817, सबसे पहले 1817 में एक बहुत बड़ा नाम जो महाराजा गुलाब सिंह की आर्मी को ज्वाइन करता है, दैट इज जनरल जोरावर सिंह। हु इज इट? जनरल जोरावर सिंह, जो 1817 को महाराजा गुलाब सिंह की आर्मी को ज्वाइन करते हैं। एंड अगर हम जनरल जोरावर सिंह की बात करें तो इनका जन्म 1786 में हुआ एंड ही बिलोंग्ड एंड ही वॉज नेटिव ऑफ विच स्टेट, ही एक्चुअली बिलोंग्ड फ्रॉम बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। फाइन, सो जनरल जोरावर सिंह 1786 में इनका जन्म हुआ और 1786 से लेके 1841 में इनकी डेथ हो जाती है और 1817 में ही joins the army of महाराजा गुलाब सिंह। अब 1841 में इनकी डेथ होती है, इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर, दैट इज़ कि 1841 में इनकी डेथ होती कहाँ पे है, इनकी डेथ होती है एट द बैटल ऑफ टोयो, वेरी इंपॉर्टेंट। So 1841 में at the battle of Toyo इनकी death हो जाती है and Toyo कहाँ, तिब्बत। अब क्या है ना, General जोरावर सिंह was a very big name। अब आप ज़रा एक चीज़ को ज़रा सोचें, आज के time पर भी अगर आप लद्दाख और तिब्बत का area देखें तो उसकी topography is extremely rugged। अब go back to that time जब there were no roads, there were no connectivity, उस time पर topography कितनी rugged होगी और दे ऑल फुट सोल्जर्स या घोड़े पर सवार होके ये लोग जाते थे तो कितना डिफिकल्ट होगा। और जब भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट को कैप्चर करना है आप हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। तो जनरल जोरावर सिंह वॉज एक्चुअली ही वेंट, जिन्होंने आई टोल्ड यू, आपको मैंने पीछे भी बताया कि 1834 में इन्होंने लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान ये सब एरिया जो था अपने अंडर ऑलरेडी कर लिया हुआ था। अब 1841 में जब इनकी डेथ होती है एट द बैटल ऑफ टोयो, उसका मेजर रीज़न क्या होता है कि इन तक री इन्फोर्समेंट पहुँच नहीं पाती है। होता क्या है, इट स्टार्टेड स्नोफॉल हो गया जिसकी वजह से जो जहाँ से जाना था आर्मी को वो एरियाज ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से इनके पास टाइम पर री इन्फोर्समेंट पहुँचती नहीं है और फिर 1841 में इनकी डेथ हो जाती है। और जनरल जोरावर सिंह का जो नाम है वो हिस्ट्री में इतना ह्यूज रह चुका है, इनकी ब्रेवरी के जो चीज़ें हैं, इनकी जो ब्रेवरी की बातें हैं वो बहुत बुक्स में लिखी भी गई हैं। और इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जो जम्मू के नेटिव्स हैं, जम्मू कश्मीर के नेटिव्स हैं, उनको तो ऑब्वियसली पता होगा, बट देन ऑल दोज हु आर नॉट नेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक जम्मू में एक एरिया है बहू प्लाज़ा, वहाँ पे एक थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो देर इज़ अ गोल चक्कर, उस गोल चक्कर में एक स्टैचू है और वो स्टैचू जनरल जोरावर सिंह का है। तो ये एक एग्जांपल बताता है हमको कि जनरल जोरावर सिंह वाज अ ह्यूज नेम एंड ही वाज अ कमांडर, ही वाज अ कमांडर अंडर हु, अंडर महाराजा गुलाब सिंह। सो 1817 में जनरल जोरावर सिंह जॉइंस द आर्मी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। अब 1817 में
रियासी। 1817 में रियासी वॉज बीन कैप्चर्ड, और कैप्चर कौन करते हैं, इट वॉज कैप्चर्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड हेल्प्ड बाय जनरल जोरावर सिंह। सो 1817 में एक रिवॉल्ट की अपराइजिंग होती है रियासी में, और ये लोग इसको सप्रेस करते हैं, और 1817 में फर्स्ट टाइम जो रियासी फोर्ट है उसका रेनोवेशन भी होता है। सो फर्स्ट टाइम 1817 में जो रियासी फोर्ट है उसका रेनोवेशन भी होता है। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट रियासी। अब आगे आते हैं हम 1821 में, दैट इज रजौरी। अब 1821 में महाराजा गुलाब सिंह ही कैप्चर्स रजौरी फ्रॉम हु, फ्रॉम अगर खान। इम्पॉर्टेंट, सो 1821 में ही कैप्चर्स रजौरी फ्रॉम अगर खान एंड देन ही प्लेस्ड। तो जब अगर खान को निकाल दिया तो उसकी जगह किस राजा को वहां पे प्लेस किया गया, रहीम उल खान, कहीं कहीं में रहीम उल्ला खान, कहीं कहीं में रहीम उल्लास खान भी दिया होता है। सो इतना याद रखें, रहीम उल खान जो थे उनको वहां पे एज राजा प्लेस किया जाता है बाय हु, बाय महाराजा रंजीत सिंह। फाइन, रियासी, रजौरी, नाउ किश्तवाड़। अब आगे चल के किश्तवाड़ was been annexed by महाराजा गुलाब सिंह। सो महाराजा गुलाब सिंह किश्तवाड़ को annex करते हैं, और obviously बात है उनकी आर्मी में कौन है, जनरल जोरावर सिंह, जो उनको annex करने में help करते हैं। अब किश्तवाड़ को annex किसके, मतलब किससे लिया जाता है, राजा तेग मोहम्मद सिंह। सो राजा तेग मोहम्मद सिंह, से किश्तवाड़ was captured by who, by महाराजा गुलाब सिंह, held by जनरल जोरावर सिंह। और फिर किश्तवाड़ का जो गवर्नर है वो किसको बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड देन जनरल जोरावर सिंह was made as its गवर्नर। फाइन, सो ये किश्तवाड़ का आ गया, तो यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह को इज बीन प्लेस्ड एज द गवर्नर। अब आगे, नाउ व्हाट हैपेंड, March 9, 1846, द ट्रीटी ऑफ लाहौर। हमने ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में पीछे बात कर ली है। सो March 9 में 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर, एंड March 16, 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर गोज इनटू द हैंड्स ऑफ डोगरास, महाराजा गुलाब सिंह टू बी मोर इन डिटेल्ड। सो इन ऑन March 16, 1846 जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका जो महाराजा है वो फर्स्ट महाराजा टर्न्स आउट टू बी महाराजा गुलाब सिंह। सो महाराजा गुलाब सिंह बिकम्स द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट का मतलब, प्रिंसली स्टेट मीन्स कि वो जगहें विच वर अंडर ब्रिटिश, पर वहां पे प्रिंस रूल कर रहा होता था, मतलब राजा है लेकिन वो अंडर है आपके ब्रिटिश के, दो स्टेट्स वर कॉल्ड एज प्रिंसली स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब एक पॉइंट, इसमें दो पॉइंट्स हैं कि हमने फर्स्ट महाराजा क्यों कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह को, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं के ही टाइम पे फर्स्ट टाइम बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी, इसीलिए इन्हीं के टाइम पे बाउंड्री डिमार्केशंस हुई थी, इसीलिए इन्हीं को ही फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम मानते हैं। फाइन, एंड इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, फर्स्ट वाज हैदराबाद। जब मैं सेकंड लार्जेस्ट कह रही हूं तो लार्जेस्ट में किस सेंस में कह रही हूं, लार्जेस्ट एरिया, अगर हम एरिया को कंसिडर करें उस हिसाब से जम्मू एंड ओके, सो उस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट आफ्टर हैदराबाद। किस हिसाब से, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो। अब महाराजा गुलाब सिंह टर्न्स आउट टू बी द फर्स्ट महाराजा, नाउ इनके टाइम पे इन्होंने बहुत योगदान दिया अपना, जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के ये महाराजा बनते हैं, जैसे कि इन्होंने जितना हो सका क्राइम को सप्रेस करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे रॉबरी, लूट, चोरी, चकारी, ये सब बहुत कॉमन था, तो इन्हीं के टाइम पे द क्राइम वॉज सप्रेस्ड, और उन्होंने ग्लावंस,
उनको कैप्चर करके, द लीडर्स ऑफ ग्लावंस को कैप्चर करके उनको वैली से बाहर निकाल दिया था। इसी के साथ साथ इन्होंने खाखस एंड बॉम्बास उनको भी वैली से ड्रोव आउट किया था। नाउ नो नीड टू गेट इन टू मच डिटेलिंग अबाउट खाखस एंड बॉम्बास, बट यू ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दे वर एक्चुअली पीपल, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो दे आर पीपल फ्रॉम POK एंड पाकिस्तान एरिया। फाइन, सो दे आर, आज के टाइम पे देखा जाए दे आर पीपल फ्रॉम POK एंड पाकिस्तान एरिया। फाइन, सो खाखस एंड बॉम्बर्स इन्होंने उनको भी वैली से ड्रोव आउट किया। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट, इन्होंने रिफॉर्म, ही अंडरटुक रिफॉर्म ऑफ बेगार सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बेगार? अब बेगार और लेबर में फ़र्क है। लेबर और बेगार दोनों ही मतलब रिलेशन टू काम करना है किसी के अंडर। फ़र्क ये है कि लेबर में आप जिसके अंडर काम करते हैं यू आर बीइंग पेड फॉर इट, मतलब आप जितना काम करते हैं आपको उसका पैसा मिलता है। जबकि बेगार में ऐसा नहीं होता, यू आर नॉट बीइंग पेड, मतलब फोर्स्ड लेबर इज कॉल्ड एज बेगार। फाइन, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंडरटुक किया रिफॉर्म इन बेगार सिस्टम। दो पॉइंट्स, अंडरटुक रिफॉर्म और किसके टाइम पे बेगार गॉट इस एबॉलिश्ड, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं। एबॉलिश कब हुआ था वो आगे आएगा, 1920s में आएगा, अभी सिर्फ रिफॉर्म आया है, एबॉलिशमेंट नहीं आया है। इन्होंने बेगार सिस्टम में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। सो रिफॉर्म्स किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे रिफॉर्म्स वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। फाइन, इसी के साथ साथ इन्होंने रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया, उसको बेटर किया। कैसे किया, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इंटू फोर वजारत्स। व्हाट आर वजारत्स? मीन डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ जब इसको चार वजारत्स में बांट दिया गया, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब जरा सोचिए आप कि ठीक है, आपने बोल दिया कि हमको रिफॉर्म चाहिए एंड यू मेड डिपार्टमेंट्स, राइट? आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, आपने कुछ भी कर दिया, बट देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ऊपर किसी की नज़र हो, ताकि आपको डर रहे कि भाई मुझे, आई एम आंसरेबल टू समबडी, राइट? तो इसी के मद्देनज़र इन्होंने चार वजारत्स में तो बांटा, लेकिन वहाँ पर अपने ट्रस्टेड ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया की डिपार्टमेंट्स में, ताकि उनकी नज़र रहे और जो उसमें काम कर रहे हैं उनको भी डर रहे कि हमारे ऊपर कोई बैठा है जो हमारे काम पर नज़र रख के बैठा है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया इनटू फोर वजारत्स, एंड वहाँ पर जो की डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पर ट्रस्टेड ऑफिशियल्स को बिठाया। एंड व्हाट आर द की डिपार्टमेंट्स? की डिपार्टमेंट्स मीनिंग लाइक योर शॉल डिपार्टमेंट, लाइक योर ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स में इन्होंने अपने की ऑफिशियल्स को बिठाया। फाइन, इसके अलावा इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया शॉल इंडस्ट्री को। अब क्या था, नाउ महाराजा गुलाब सिंह वॉज वेरी लॉयल टूवर्ड सिख, लेकिन 1832 और 1838 में देर वर फेमाइंस जो वैली में आई थी, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। एंड अब जो वज़ीर्स वगैरह या जो यहाँ पे जो दीवान वगैरह काम कर रहे थे, उनका भी जो इतना जो था ना, पहले तो वो सिर्फ काम करते थे, अब 1838 में फेमाइंस वगैरह आए, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होगी। महाराजा रणजीत सिंह के बाद सिख एम्पायर स्टार्टेड टू लूज इट्स कंट्रोल, उसका जो कंट्रोल था ना, होल्ड, वो ढीला होने शुरू हो गया, जिसका फ़ायदा सब ने उठाया, वजीर, दीवान, सब ने जितना हो सके उतना वो गैदर करना शुरू कर दिया, वेल्थ गैदर करना शुरू कर दिया। अब 1839 में इनकी डेथ के बाद गुलाब सिंह की भी जो लॉयल्टीज थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब तो कोई प्रोमिनेंट राजा रहा नहीं, महाराजा रहा नहीं है, और ना ही अब कोई ऐसा कुछ रहा है जिसमें आप किसी बड़े नाम के अंडर काम करें। अब पहले तो ये सिर्फ जम्मू को संभाल रहे थे, अब इन्होंने 38-39 के बाद इनकी जो लॉयल्टीज थी टूवर्ड सिख, इट ऑल्सो स्टार्टेड टू गेट डिमिनिश, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, और फाइनल ब्लो
42 तक आते आते फाइनल ब्लो मिला जब इनका पूरी की पूरी लॉयल्टीज खत्म हो गई और फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में 45 से लेके 46 में महाराजा गुलाब सिंह रिफ्यूज्ड टू हेल्प सिख, जिसकी वजह से मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर और मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के चलते महाराजा गुलाब सिंह बिकम्स द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर. फाइन, अब सो आई टोल्ड यू कैसे यहाँ पे चीज़ें खराब चल रही थी, थिंग्स वर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. अब यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्री थी दैट वॉज द शॉल इंडस्ट्री. शॉल इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अनजस्ट टैक्सेस, इतने टैक्सेस इम्पोज कर देने कि जो शॉल इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनको कमाई क्या होगी, उनको तो खाने के लिए भी प्रॉब्लम्स आने शुरू होगी. इसके अलावा एक स्टेपल क्रॉप था उस टाइम पे वैली में सिंघाड़ा, राइट, उसके ऊपर भी इतने अनजस्ट टैक्स लगा दिए गए कि लोगों के पास देना तो क्या अपने खाने के लिए भी नहीं बचता था. तो इसके चलते अब जो शॉल इंडस्ट्री वाले थे दे स्टार्टेड टू माइग्रेट, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया पंजाब की तरफ. अब जब उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, महाराजा गुलाब सिंह ही स्टार्टेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स ताकि शॉल इंडस्ट्री यहाँ पर बनी रहे, लोग माइग्रेट ना करें, यहीं रहें और शॉल इंडस्ट्री को यहीं पर ही फ्लरिश करें. तो इनके टाइम पे शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया गया. फाइन, एंड इसी के साथ साथ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ धर्मार्थ ट्रस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट कि महाराजा गुलाब सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ धर्मार्थ ट्रस्ट. ओके, सो दिस इज वॉट वी डिड टूडे अबाउट महाराजा गुलाब सिंह. दिस वॉज माई लेक्चर नंबर 6. अब हम आगे करेंगे जब इनके आगे इनके बेटे आएंगे. फाइन, ओके, सो एक पॉइंट शायद मैं स्किप कर गई आपको बताना, मियाँ साहिब सुचेत सिंह के बारे में. जब मियाँ साहिब सुचेत सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद जो इनके पोजेशंस थे या जहाँ पर भी ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन या रूल कर रहे थे वो सब किनके पास चले गए, रणबीर सिंह के पास चले गए. सो जिन जगहों पे ये रूल कर रहे थे, जो पोजेशंस इनकी थी, दैट ऑल केम अंडर महाराजा रणबीर सिंह. फाइन, सो दिस इज वॉट वी डिड अबाउट महाराजा गुलाब सिंह टुडे. और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम आगे इनके आगे जो इनके बेटे आते हैं महाराजा रणबीर सिंह, उनके बारे में बात करेंगे. एंड महाराजा रणबीर सिंह वॉज द ओनली सर्वाइविंग सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.